नाजरीन आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह किया जाता है कि रिदा रियाज का झूठ पकड़ा गया है। जी हाँ नाजरीन, जैसा कि आपको बताते चले, गुज़िश्ता दिनों पहले अदाकार रिदा रियाज ने मशहूर अदाकार आतिश दुरानी पर ज्यादती का इल्जाम लगाया था। अब वो झूठ साबित हुआ है। वो टांग पर टांग रखे बैठा मोबाइल पर मसरूफ था, जब सामने लगे एलईडी पर रिदा रियाज की तस्वीर दिखाई जाने लगी। आतिश दुरानी के कानों पर पड़ती खबर इसके लबों पर यकतरफा मुस्कुराहट ले आई थी। वो अपनी मखसूस मगरूना मुस्कुराहट लिए अब एलईडी को तक रहा था। इनकी वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हो चुकी है, जिसमें उन्होंने इस बात का एतराफ किया था कि गुज़िश्ता दिनों पहले उन्होंने जो इल्जाम आतिश दुरानी पर लगाया था वो झूठ है। जी हाँ नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते चले, अदाकारा रिदा रियाज का असली चेहरा सबके सामने आ गया है, जिसके बाद इनके अपने फैंस इनके मुखालफीन बन गए हैं। आतिश दुरानी ने गहरी सांस ली थी और बराबर रखे शराब के गिलास को तकने लगा था। बादल के छोड़े हुए जासूस ने न सिर्फ रिदा रियाज की वॉइस रिकॉर्ड की, बल्कि इसे ऐसे एडिट भी किया जिससे रिदा के अलावा कोई और आवाज सुनाई ही न दे रही थी, क्योंकि आतिश ने इसे कहीं भी तबीर का नाम लाने से मना किया था। वो नहीं चाहता था तबीर का नाम किसी भी तरह से मंजरे आम पर आए, वरना बाजल के पास इस बात का ठोस सबूत था कि रिदा और हाशर मिलकर एक मासूम लड़की का सौदा कर चुके थे। अगरचे ये बात मीडिया पर आ जाती तो ना सिर्फ हाशर और रिदा पर सब थू थू करते, बल्कि इनका बना बनाया गया नाम बासानी मट्टी में मिल जाता। मगर आतिश नहीं चाहता था कबीर की इज्जत पर किसी भी तरह से हर्फ आए, इसलिए इसके हुक्म पर बादल ने भी अभी सिर्फ रिदा का झूठ सामने लाने की कोशिश की, जिसमें अब वो कामयाब भी हो चुका था। आतिश अब सुकून में था, शायद अबीर अब इस पर भरोसा करने लग जाए। क्या वो उठ गई? जी साहब जी, आतिश के पूछने पर मुलाजिम ने सर झुकाकर जवाब दिया था। दोपहर का वक्त था, तबीर कभी भी इतना ना सोती थी, ये तो वो भी जानता था। उसके सामने आने से अब भी कतरा रही थी, मगर अब वो मजीद ताखीर नहीं करना चाहता था। उस बात में सर हिलाते हुए उठकर बाहर आया था, मगर वो अब तक अपने कमरे में मौजूद थी। आतिश ने बाहर से दरवाजा नोक किया था, जिस पर इसने बड़ी ही आहिस्तगी से आ जाने का कहा था। जब वो अंदर आया तो अपने बेड पर चादर ओढ़े बेड क्रॉस से टेक लगाए बैठी हुई थी। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी, कैसा फील कर रही हो तुम? वो जो नोक करने पर मुलाजमा समझ रही थी, अब आतिश को अंदर आता देख उठ बैठी थी। वो एक नजर सामने लगे एलईडी पर चलती न्यूज पर डालकर बेड पर तबीर के सामने आ बैठा था। तबीर ने जल्दी से एलईडी बंद किया, तबीर ने अपना दुपट्टा ठीक किया, तभी आतिश की नजर इसके गले में मौजूद लॉकर पर गई थी, जिसके नाम का था। आतिश के दिल में अंदर तक एक सुकून की लहर दौड़ी थी, इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो इसे अपने गले से उतार ना पाई थी। तुमने ब्रेकफास्ट किया? आतिश ने संजीदगी से नर्म लहजे में सवाल किया था। जी अभी कुछ देर पहले किया है, वो नजरें झुकाए जवाब देने लगी थी। तो रूम से बाहर क्यों नहीं आ रही? मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें तबीयत में कुछ अजीब महसूस हो रहा है तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो बागौर इसे देखते हुए पूछने लगा, जिस पर वो एकदम से इसे देखने लगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेडिसिन ले रही हूँ, इंशाल्लाह कुछ टाइम में ठीक हो जाऊंगी, वो धीमे लहजे में कहने लगी थी। आतिश ने इसके चेहरे को भरपूर अंदाज में देखना चाहा था, जहाँ या के रंग नुमाया थे। तबीर क्या कोई परेशानी है? तुम किन सोचों में उलझी हुई हो? न जाने वो क्या सुनना चाह रहा था। तबीर ने एक नजर इसे देखकर फिर से नजर झुका ली थी। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? वो भी आतिश था, न जाने वो क्या उगलवाना चाह रहा था। तबीर के चेहरे पर घबराहट नुमाया थी। मैंने न्यूज देखी थी, अभी वो आगे कुछ कहता जब तबीर ने कहना शुरू किया था, शायद वो इसके इरादे भांप चुकी थी। रिदा ने कुछ किया वो सब जान कर किया था, मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत गलत समझ बैठी थी, वो शर्मिंदा सी नजरें झुकाए कहने लगी, जिस पर आतिश से देखने लगा। कोई बात नहीं है, इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, तुम्हारा मुझे गलत समझना चाहिए था, लेकिन अब तो सच सामने आ चुका है ना। आतिश की बात पर वैसे देखने लगी जैसे आतिश को कोई फर्क ही ना पड़ा हो इन सब से। लेकिन मैं एक नहीं थी आतिश, न जाने कितने लोगों ने आपके बारे में गलत सोच। वो संजीदगी से बात मुकम्मल करने लगी थी जब वो बोल पड़ा, मुझे लोगों की परवाह नहीं है कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है कि तुम मेरे लिए कैसा महसूस करती हो।
आतश ने धीमे मगर सख्त लहजे में ये अल्फाज कहे थे। वो टिकटिकी बांधे इसकी नीली आंखों में देखे जा रही थी, जो कि इसके अल्फाजों के सच होने का सबूत दे रही थी। जानता हूँ, एक मशहूर शख्स के लिए इसकी शोहरत जिंदगी की तरह जरूरी और अहम होती है। ये भी जानता हूँ कि मुझे बहुत लोगों ने गलत कहा होगा, मेरे करदार पर उंगलियां उठाई होंगी, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। हाँ, लेकिन मुझे दुख हुआ था जब तुम मेरे बारे में गलत सोच रही थी। कुछ पल के लिए आतश के लहजे में अजीब सी उदासी महसूस हुई थी, जैसे वाकई कुछ बुरा हुआ हो, इसे कुछ बुरा लगा हो। इसकी पुरकशिश नीली आंखों में जहाँ तबीर ने अपने लिए चमक देखी थी, वहीं डर के साथ साथ बहुत उदासी भी देखी थी। मैं बहुत बुरी तरह हारा था जब तुमने मुझे अनजान नजरों से देखा था। तभी मैं पूरी दुनिया के लोगों के हाथों में अपने लिए पत्थर तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरत आंखों में अपने लिए बेतबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है जब तुम मुझे यूं अनजानों की तरह देखती हो। वो बगौर से देखते हुए इसकी आंखों में कहीं खोसा गया था। इसके करीब आकर एक अजीब से जुनून और दर्द के मिले जुले तासरात लिए ये अल्फाज अदा कर रहा था। जहाँ तबीर की आंखों में नमी तैरने लगी थी, वहीं आतश की आंखें सुर्ख सी होने लगी थी। आतश ने आगे बढ़कर तबीर का हाथ थामा। इस चाणक वाले अंदाज पर वो चौंक कर पीछे होने लगी थी, मगर आतश की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मुसलसल सुर्ख आंखें लिए इससे तक रहा था। अचानक से इसकी आंखों में पानी जमा होने लगा, एक अश्क टूटकर चेहरे पर बहने लगा। वो बड़ी गौर से इसे देख रही थी। तबीर, अपने दिल पर हाथ रखकर सवाल करो इससे, क्या मैं तुम्हें अब भी गलत लगता हूँ? क्या मैं तुम्हारे भरोसे के लायक भी नहीं हूँ? तबीर, मत देखो मुझे ऐसी नजरों से, मुझे दुख होता है। न जाने वो यूं अचानक कैसे अपने हवास खो बैठा था। वो नहीं जानता था वो क्या बोल रहा है। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई थी, जिस पर वो दोनों होश की दुनिया में वापस आए थे। अचानक से तबीर ने अपना हाथ पीछे खींचा तो आतिश ने भी फासला कायम किया। आजो, वो फर्ज और शहादत की उंगली से आंखों को मसलते हुए हमेशा की तरह सख्त लहजे में कहने लगा, जिस पर तबीर ने भी जल्दी से अपनी आंखों की नमी पूंजी। मुलाजम इजाजत तलब कर अंदर आया था। साहब जी, वो आपका मोबाइल बज रहा था। मुलाजम ने आतश का मोबाइल इसकी जानब बढ़ाते हुए कहा था। उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा तो वो चला गया। एक नजर तबीर को देखकर वो मोबाइल कॉल पर लगाए मुखातब हुआ था। क्यों फोन किया है? आतश ने सख्त लहजे में कहा था, जबकि तबीर इसे ही देख रही थी। कैसे पल भर में अपने जज्बातों पर काबू पाकर वो सख्त तासरात लिए बैठा था। वो शख्स तबीर की सोच से भी ज्यादा मुश्किल था। जानता हूँ आज शूटिंग है, बट मेरा मूड नहीं आने का, आतश ने सख्त नागवारी से जवाब दिया था। जबकि शूट का सुनकर तबीर को याद आया, आज की तारीख को तो इसकी शूटिंग थी, मगर वो कैसे हाशिर के सामने जाती, वो कितना बड़ा धोखेबाज था। मैंने कहा ना, शूट कैंसिल करो, मुझे आज बहुत इम्पोर्टेंट काम है, हर चीज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं मजीद कोई बहस नहीं करना चाहता, मेरा मूड नहीं आने का, बात खत्म। वो अपनी बात मुकम्मल करता हुआ एक झटके से फोन बंद कर गया था। तबीर इसे बड़ी हैरत से देख रही थी। ऐसा कौन सा जरूरी काम था इसने अपनी शूटिंग कैंसिल कर दी? फिर दूसरी बात, इसका मूड भी तो न था ना शूट पर जाने का। तुम आराम करो, आज रात डिनर हम साथ करेंगे, मैं कहीं भी नहीं जा रहा, उसे संजीदा आवाज में कहता हुआ वहां से जाने लगा था। मगर सर, आपकी शूटिंग, वो यकदम बोले जिस पर वो रुका। तुम सिर्फ मुझे आतश ही बुला सकती हो, मुझे अच्छा लगेगा। रही शूटिंग की बात, तो आज बहुत जरूरी काम की वजह से मेरा मूड नहीं वहां जाने का, आतश ने गंभीर लहजे में कहा था। आंखों ही आंखों में इसे आज शाम की मुलाकात का जताकर वहां से चला गया था, जबकि उसके जाने के बाद अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखे बैठी खुद से सवाल कर रही थी, क्या इरादे हैं इसके, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए? वो खुद कलामी करने लगी, जब इसका दिल आतश के नाम पर जोरों से धड़कने लगा था। तबीर ने जल्दी से हाथ हटाया था। नहीं तबीर, तुम यहाँ सिर्फ जॉब करने आई हो, ना कि यह सब सोचने। तुम आतश के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचोगी जिससे तुम अपने इरादों से भटक जाओ। वो सिरे लब गोया हुई पेशानी पर पसीने की बूंदे उबरने लगी। माना कि आतश वैसा नहीं है जैसा सब इसे समझते हैं, मगर इसे दूर रहने में ही तुम्हारी बेहतरी है। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, तुम नहीं सोच सकती इसके बारे में कुछ भी ऐसा।
वो खुद ही को समझाए जा रही थी, जबकि इसकी ये बातें बाहर खड़ा शख्स बासानी सुन चुका था। ना सिर्फ सोचने पर बल्कि खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगा मैं तुम्हें तबीर, बस आज शाम का इंतजार है मुझे, मुझे यकीन है तुम पर, मेरा हाल दिल जानने के बाद तुम्हें खुद मुझसे मोहब्बत हो जाएगी। वो मुस्कुराते हुए कहते हुए वहां से चला गया था। न जाने आज शाम वो क्या करने का इरादा रखता था। उफ यार रेस भाई, आप ही ना बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं आप। हरीम जो पिछले आधे घंटे से मुसलसल जुरेज की ऊटपटांग बातों पर हंसे जा रही थी, अब थक कर बेड क्रॉस से चाह लगी थी, जबकि इसकी बात पर जुरेज ने भी कहका लगाया था। डियर सिस्टर, मैं ड्रामेबाज नहीं, पूरी की पूरी फिल्म हूँ, अंडरस्टैंड, जुरेज ने एक अंदाज से कहा था, जिस पर हरीम ने आईब्रो चुकाई थी। खैर ये बताओ कब मिल रही हो अपने भाई से, जुरेज ने ख्वाहिश जाहिर की थी। क्या मिलना था क्या, वो सोचने लगी, जिस पर जुरेज ने माथा पीटा। जाहिर सी बात है मैं भाई हूँ तुम्हारा, इतने दिन हो गए अपनी गुड़िया को देखे, मुझे मिलना है तुमसे हरीम, कहो तो आज शाम डिनर साथ करें, जुरेज ने इसे ऑफर करते हुए जवाब जानना चाहा था। क्या आज शाम, उफ नहीं रेज भाई, आज शाम तो मुझे इफ्तिखार अंकल से मिलने जाना है, शवेज बता रहा था इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हरीम के मुंह से शवेज का जिक्र सुनकर इसका खून खोलने लगा था। वो जो कुछ देर पहले हंसी मजाक के मूड में था, अब इसकी गहरी काली आंखों में सुर्खी आने लगी थी। वो सख्त आसरात लिए अपनी बहन को अच्छी खासी क्लास लेने का मूड बनाने लगा था। कौन है ये शावेज, क्यों मिलती हूँ इससे तुम? हाँ जानता तो वो सब कुछ था, मगर इसकी बहन ने अब तक इसे अपने और शावेज के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसकी अचानक गुस्से वाली आवाज पर रीम के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो रेस भाई, मैं आपको बताना भूल गई कि शावेज मगेतर है मेरा, वो क्लास फेलो था मेरा, फिर कासिम साहब ने मेरी रजामंदी को मद्देनजर रखते हुए हमारी एंगेजमेंट करवा दी। वो थोड़ी घबरा रही थी, आखिर वो इसका भाई थे, भला वो कैसे अब सब कुछ इसे बेधड़क बता सकती थी। कैसी एंगेजमेंट, मैं किसी एंगेजमेंट को नहीं मानता, तुम मेरी बहन हो, मेरी जिम्मेदारी हो, तुम पर हक है मेरा, जो चाहे जैसा चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हो, भला कासिम कौन होता है तुम्हारी जिंदगी के फैसले करने वाला, इसे मैंने सिर्फ कुछ इख्तियार दिए थे, वो भी इस मजबूरी की बिना पर के तुम ना समझती, ऐसे में कैसे मैं तुम्हें अचानक से आकर खुद को तुम्हारा भाई बता देता। जुरेज का लहजा तवक्को से ज्यादा सख्त था, वो थोड़ी डर गई थी। तुम आज के बाद इससे नहीं मिलोगी, ठीक है कि वो सीधा साधा लड़का है, लेकिन जब तक मैं तुम्हें अपनी बहन के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस ना करवा दूं, तुम इससे नहीं मिलोगी, कोई एंगेजमेंट नहीं हुई तुम्हारी, समझी तुम? अपना हुक्म सुनाकर इसे हर्ट कर गया था। हरीम खामोशी से बैठे अपने भाई के हुक्म पर गौर कर रही थी। काफी देर वो यूं चुप रहा, मगर हरीम की उदासी महसूस कर वो फिर से इससे मुखातब हुआ था। हरीम, ये सब तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ, इसने संजीदगी से कहा था। अच्छा क्या वाकई, काफी जल्दी ख्याल नहीं आया आपको मेरे बेहतर मुस्तकबिल का? हाँ वो भी तो बहुत फैसले किए थे ना काजम अंकल ने, फिर आखिर आप इसी फैसले के खिलाफ क्यों हैं? वो खफगी से कहने लगी, जिस पर जुरेज बड़ी गौर से इसे सुन रहा था। क्या तुम्हें मेरा फैसला गलत लग रहा है हरीम? क्या तुम्हें नहीं लगता है मैं जो कुछ करूंगा तुम्हारी बेहतरी के लिए करूंगा? फिर तुम्हारे लिए तो तुमसे दूर रहा हूँ मैं यार, और अपनी जान से प्यारी बहन को क्यों दूर रखता भला, जुरेज ने इसे मनाते हुए कहा था। क्या एक बार भी आपने मुझसे ये पूछा कि शावेज के साथ एंगेजमेंट पर मैं राजी क्यों हुई थी? हरीम की बात पर वो रुका, फिर सोचने लगा और गौर करने लगा। जब वो हरीम और शावेज को मिलते हुए देखता था, तब इसने हरीम की आंखों में शावेज के लिए पसंदीदगी देखी थी। तो क्या तुम शावेज को पसंद करती हो? वो तजस्सुस में मुबला इससे खोजने वाले अंदाज में पूछने लगा, जिस पर वो खामोश हुई थी, यानी जवाब हाँ में था। वो कुछ सोचते परेशानी रगड़ने लगा, जबकि दूसरी तरफ अब तक खामोशी थी। ठीक है, तुम्हारी खामोशी मुझे जवाब दे चुकी है, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तुम इससे नहीं मिलोगी, समझ आई? जुरेज की बात पर इसने सुखा सांस लिया था। जी भाई, अब तक उदास थी, शायद जुरेज ने पहली बार में ही बहुत ज्यादा सख्ती दिखा दी थी, लगता है मेरी गुड़िया नाराज हो गई है, जुरेज ने बड़ी नरमी से कहा था। आपको अपनी गुड़िया की फिक्र ही कब है, कर ले आप भी मुझ पर गुस्सा, इतने सालों तक इसी मौके की तलाश में थे ना कि कब बहन मिले कब गुस्सा उतारूं, जाइए मुझे नहीं करनी आपसे बात। अब वो वाकई अच्छा खासा नाराज हो चुकी थी। अरे हरीम सुनो तो, माई डॉल लिसन टू मी, वो सर पर हाथ मार के इसे उजलत में मनाने लगा था।
मगर वो फोन बंद कर चुकी थी। तभी जुरियत ने मोबाइल एक स्टाइल से बराबर सोफे पर उछाला था और पेशानी रगड़ते हुए कुछ सोचने लगा था। बीवी लग नाराज है, बहन भी नाराज हो गई, बंदा करे तो क्या करे आखिर, सारे तपोड़े मुझे ही मिलने हैं यार, जुरेज ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। खुद एलईडी पर चलती न्यूज में मसरूफ हो गया। बड़े भैया ने तो कमाल ही कर दिया, हमसे भी आगे निकल पड़े। इधर साला कोई देखता नहीं है ठीक से और बड़े भैया ने दर्जनों हिसाब से बच्चियां पीछे लगाई हुई है। सही जा रहे बड़े भैया, वो जेरे लब कहकर बालों में हाथ फेरते हुए एक तरफा मुस्कुराहट उछालने लगा था। मे आई कम इन मैम, वो इस वक्त अपने रूम में बैठी बड़े अहम काम में मसरूफ थी। सामने रखे लैपटॉप पर नजरें जमाए वो वक्फे वक्फे से कॉफी का सिप ले रही थी। तभी इसके डैड की सेक्रेटरी वहां आई, जिसे इसने इशारे से इजाजत दी थी। मैम ये कुछ सामान है जो किसी ने आपके लिए भेजा है, इस लड़की ने फूलों का खूबसूरत बुके आयजल के सामने टेबल पर रखते हुए कहा था, जिसके साथ एक गिफ्ट बॉक्स भी था। आयजल हैरत से पहले इसे फिर इस गिफ्ट को देखने लगी। ये किसने भेजा, इसने ना समझी से सवाल किया। पता नहीं मैम, अपनी बात कहकर आयजल के इशारे पर वहां से चली गई थी, जबकि आयजल सर झटक कर लैपटॉप में मसरूफ हो गई थी। तकरीबन अभी इसे 15 मिनट ही गुजरे थे जब इसका मोबाइल रिंग होने लगा, शायद किसी का मैसेज था। आयजल सब कुछ इग्नोर करके अपने काम पर तवज्जो देना चाहती थी, मगर तभी किसी अननोन नंबर से आती कॉल इसने गुस्सा दिलाया था। पहले तो वो खामोश रही, मगर मुसलसल आने वाली कॉल पर वो परेशान होकर कॉल अटेंड कर गई थी। क्या मसला है, नजर नहीं आ रहा, इतने इम्पोर्टेंट काम में मसरूफ हूँ मैं, कॉल्स पर कॉल, कॉल्स पर कॉल, अजीब दिमाग खराब कर रखा है। अपनी पुरानी आदत से मजबूर तैश में आकर वह सामने वाले को जाने बिना घुराई थी, जिस पर दूसरी जगह मुकम्मल खामोशी छा गई थी। ओ हेलो, अब बताना पसंद करोगे कौन हो तुम, क्यों फोन किया है, दूसरी तरफ खामोशी पाकर वह फिर से चीखी, जिस पर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। एक नजर स्क्रीन को देखकर वो मुंह के अजीबोगरीब दावियां बनाने लगी थी। अजीब ही सदा का फारिग शख्स है कोई, टाइम वेस्ट कर दिया सारा, अब कॉल करके मुंह तोड़ दूंगी मैं इसका। अपने मोटी जैसे सफेद दांत बीजते हुए मोबाइल स्क्रीन को मुका दिखाने लगी थी और एक झटके से मोबाइल को साइड पर रखकर वापस अपने काम में मसरूफ हो गई थी। तभी इसके मोबाइल पर एक और बार किसी का मैसेज आया था, जिसे वो बड़े गुस्से से चेक करने लगी थी, मगर जब चेक किया तो हवाइयां उड़ गई। मैं जानता हूँ आप किस कदर मसरूफ हैं, आपके पास तो किसी के बहुत दिल से भेजे गए तोहफे को खोलकर देखने का भी वक्त नहीं है। वो बड़ी हैरत से सामने पड़े गिफ्ट्स को देख रही थी। यानी ये जिस किसी ने भेजा था इसके पास मेरा नंबर भी है, वो खुद कलामी करते कुछ सोचने लगी थी। सामने रखे कॉफी के कप से सिप लेने लगी, तभी एक और मैसेज रिसीव हुआ था। मैडम को कॉफी पीने के अलावा कुछ आता ही नहीं है, ऐसे एक बात तो बताइए मोहतरमा, एक दिन में कॉफी के कितने कप खत्म कर लेती हैं आप। इसे अनजान का ये मैसेज पढ़ के इसका सर घूमने लगा था। वो पागलों की तरह अतराफ में नजरें दौड़ाने लगी थी। वो चोर नजरों से सामने बनी खिड़की को देखने लगी थी, मगर ये कैसे मुमकिन था, कोई इसे खिड़की से वॉच कर रहा था, क्योंकि वो इस वक्त 5th फ्लोर पर थी। मोहतरमा पहले मुझे आप ये बताइए आप हैं कौन, आपको कैसे पता है कि मैं इस वक्त कॉफी ही पी रही हूँ, और साफ अल्फाजों में पूछने लगी थी। इसका ये मैसेज पढ़कर मुखालिफ वजूद के लबों पर पुरकशिश मुस्कुराहट बिखरने लगी थी। मैं तो आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, ये तो फिर एक आम सी बात है, चलिए आप ये समझ ले कि मैंने आपको महसूस किया। ये मैसेज पढ़कर आयजल ने जब से मुठियां भेजी थी और दांत भीजते हुए टाइपिंग करने लगी। सीधी शराफत से बता दो कौन हो तुम, वरना अब जो मैं तुम्हारा हाल करूंगी ना, तुम मुझे क्या खुद को भी महसूस नहीं कर पाओगे, समझे तुम। आयजल के मैसेज पर एक जोरदार कहका लगाते हुए इस शख्स ने दोबारा टाइपिंग स्टार्ट की थी। अरे आप तो यूं ही गुस्सा कर रही हैं, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि अगर कोई चाहने वाला आपको दिल से कोई तोहफा भेजे तो मसरूफियत का बहाना बनाकर इसे यूं इग्नोर नहीं करते। वो गुस्से से शख्स के मैसेज को घूरने लगी थी। आखिर कौन था वो और क्यों इसे फ्री होना चाह रहा था, मुझे नहीं देखना कोई भी तोहफा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये बकवास बातें, बाय। वो तिनक कर मैसेज सेंड करके मोबाइल को बकायदा पटकते हुए दोनों हाथों से अपना सर दबोचे बैठी थी। रिलैक्स आई स्कूल, तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, वैसे भी एक दो नंबर आदमी के हाथों में तुम खिलौना बन चुकी हो, मजीद किसी को खुद से खेलने का शर्फ नहीं बख्श सकती, समझी तुम। वो खुद ही को तनबीह करते हुए लैपटॉप में मसरूफ होने की कोशिश करने लगी थी, मगर नजरे बार बार भटक कर सामने रखे फूलों के बुके और गिफ्ट पर जा रही थी। ओफो, ये क्या हो गया तुम्हें आज, तुम निकाम में हो किसी के,
मत सोचो किसी और के बारे में। इतना वक्त बाद भी भला वो धोखेबाज क्यों भेजेगा मुझे फूल। पल के लिए इसका ध्यान रुसोरेस की जानब गया था, जिस पर वो सर छटकते हुए काम में मसरूफ हो गई थी। माना के बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, तुम्हें मानना पड़ेगा माय डार। वो अपनी गहरी काली आंखों से चाहतों की चमक लिए एक तरफा मुस्कुराने लगा, अपने बढ़ते हुए बालों को मजीद बखेरते हुए कानों में एयरपोर्ट लगाए, उसकी यादों में गुमसा